करते हैं, जो होगा पार्टी का फैसला होगा, जो जैसा करेंगे उसमें हम लोग करेंगे। हमें किसी ना मिनिस्टर के पद की आवश्यकता, ना कोई ऊपर की अप्रोच की जरूरत है। माननीय योगी जी में और माननीय अखिलेश जी में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये तो जयंत की पार्टी की तरफ से ही कोई दबाव बनाने के लिए बीजेपी पे, ये तो एक उनका शगुफा था। नमस्कार, जी डी न्यूज में आपका स्वागत है। देश प्रदेश में विख्यात पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जसाला आज हमारे साथ हैं। राजनीति को लेकर और भी चर्चा इनके साथ में रहेगी। चौधरी साहब, आपका जी डी न्यूज में स्वागत है। जी डी न्यूज, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत जी डी न्यूज का। चौधरी साहब, लोकसभा की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है, इस लोकसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? 2024 का चुनाव आएगा, तैयारियां सब चल रही है, लेकिन ये हम लोगों का तो बहुत लंबा राजनीतिक जीवन होगा। मेहनत करते हैं, जो होगा पार्टी का फैसला होगा, जो जैसा करेंगे उसमें हम लोग करेंगे। अब जो ना पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं, उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या किस तरह का फर्क महसूस करते हैं? उस समय की राजनीति में आदमी का चरित्र, ईमानदारी, मेहनत, सादगी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह तो एक पाठशाला थे। हम लोगों ने तो राजनीति उनके चरणों में बैठकर ही शुरू की और उनसे ही सीखा कि राजनीति में क्या महत्व है। उस समय उन्होंने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया और हम लोगों को भी सिखा, हमारे आज भी ध्यान है। जब वो बीमार हुए, उन्होंने बैठा के मुझसे भी वादा करवा, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे बेटे कुछ काम करोगे? मैं कहाँ कर पाऊँ। राजनीति को ईमानदारी, मेहनत और सादगी से जीना है। मैं कह जी करूँगा। क्या करोगे बोल के बताइए। मैं कह जी मैं अपने जीवन में राजनीति सादगी, ईमानदारी और मेहनत से करूँगा। ठीक है। मैं ठीक, स्वाभिमान से कभी समझौता मत करना। मैं कह जी ठीक है। ठीक क्या है बोलिए। हमने कहा जी मैं स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करूँगा। बेटे तुम्हारी उम्र बहुत कम है, एक बात कहना चाहूंगा, मैंने तुम्हें बच्चे की तरह परवरिश किया है, अगर तुम्हारा मन भटक जाए तो संन्यास ले लेना, छोड़ देना राजनीति, लेकिन मेरे नाम को कलंकित मत करना। और आज भी हमारे उनके वे शब्द याद है, वही हमारे गुरु रहे, कि हमने अपने जीवन में उसी बातों को ढाला, ईमानदारी, मेहनत और सादगी से जिया। हाँ दिक्कत है, क्योंकि अब स्वाभिमान की राजनीति नहीं रही, वहां के दिक्कत आ जाती है, लेकिन हमने अपने स्वाभिमान का जो वादा उनसे किया था उसका पालन हम जी किया है और करेंगे। जब तक जीवन भर आपने पालन किया है उनके स्वाभिमान को लेके, उनकी बातों को लेके पाठशाला के विद्यार्थी रहे, लेकिन अभी हाल में आप भाजपा में आए हैं, जिन अपेक्षाओं के साथ में आप भाजपा में आए हैं, कहाँ आंकलन करते हैं, किस जगह आप स्टैंड कर रहे हैं अभी हाल में? नहीं, स्टैंड तो देखिए अलग चीज है, लेकिन एक बात है, भारतीय जनता पार्टी में हम आए, भारतीय जनता पार्टी में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, अगर आप उनके जीवन को देखोगे, माननीय योगी जी का जीवन देखोगे, तो अभी एक आदर्श जीवन है। हमारी भी लंबी राजनीति में के बाद हमने देखा, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बाद माननीय योगी जी एक ऐसे व्यक्ति है जो ईमानदारी, मेहनत, सादगी, जो हमें सीखा था, वही गुण के आधार पर माननीय योगी जी इस प्रदेश को चला रहे हैं। कोई गुंजाइश नहीं, कानून व्यवस्था आज देखे क्या है, विकास के मामले में, और वही ईमानदारी और मेहनत के साथ वो अपने जीवन को जी रहे हैं। हमें इसलिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता है। भारतीय जनता पार्टी का तो है, विकास है, सब चीजें हैं, लेकिन माननीय योगी जी जिन्होंने हमें पार्टी ज्वाइन कराई और आज उनमें भी वही गुण झुके हुए हैं। लेकिन आपने भी सिद्धांतों की राजनीति की है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें दूसरी सरकारों में आपने कैबिनेट मंत्री का सफर तय किया है, जनता की अपेक्षाएं भी आपके प्रति रही है, क्या जनता की अपेक्षा के अनुरूप आपका सही आंकलन भाजपा कर पाई है? नहीं देखिए, भाजपा करे ना करे, हम अपने जीवन को जी रहे हैं। आज भी हम मिनिस्टर की बात मने ना मने, हम लोगों ने अपने सिद्धांतों की राजनीति की है। आज भी हम जनता के बीच में रहकर सुबह 5 बजे उठते हैं, 11 बजे तक अपने क्षेत्र का विकास
और अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका निदान हम करने का काम करते हैं। हमें किसी ना मिनिस्टर के पद की आवश्यकता ना कोई ऊपर की अप्रोच की जरूरत है। और वही आप देखोगे दोनों जिलों में तीनों में जहां का भी काम है वो बिल्कुल निर्भीकता से होता है। काम में दिक्कत कहाँ थी है? अगर हम बदमाश की सिफारिश करें, अगर हम गलत काम के लिए, गलत काम 1921 तो इससे है हमारे यहाँ विवाद भी, हमने फैसले कराने का काम किया। आज हर गांव की जो पार्टी दो हो या तीन हो ये सब हम लोगों के साथ है। आपने हमेशा जब बेहतर नेतृत्व दिया है, लोकप्रिय आप नेता हैं, यही नहीं पश्चिम के आप बड़े नेता माने जाते हैं, कदम नेता माने जाते हैं। आप भी कह रहे हैं कि कैबिनेट की आवश्यकता नहीं है, क्या जनता के अनुरूप जो जनता चाहती है उसके अनुरूप पार्टी फैसला कर पा रही है आपके प्रति? वो तो पार्टी का काम है, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, उसमें हम लोग कोई बात नहीं कह सकते। क्या जैसा उनकी इच्छा है वो वैसा करें, जैसे पार्टी की इच्छा है ऐसा करें। लेकिन केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए, 9 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए कार्यकाल तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा है, आप लोगों ने देखा होगा और देख भी रहे हैं। आज कानून व्यवस्था, विकास, सब चीजें गांव के छोटे स्तर से लेके, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे आप कोरोना आया महामारी चली, आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह यहाँ माननीय योगी जी ने, मोदी जी ने एक उदाहरण पेश किया और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। राशन फ्री बांटा, जो घर पे मजदूर खाली बैठे थे उनमें राशन बांटने का काम किया। वे तमाम सुविधाएं माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने देश में छोटे तबके से लेकर बड़े तक सुविधाएं देने का काम किया है। सारे विपक्षी दल इंडिया नाम के गठबंधन में इकट्ठे हो गए हैं। एक तरफ मोदी जी का बड़ा चेहरा है, कोरोना काल भी है, सेवा भी जनता की बहुत की है, उस समय में तमाम योजनाएं देश विदेश में नाम बड़ा करने का कार्य किया है। लेकिन इतने बड़े गठबंधन जिसका नाम इंडिया रखा है, लोकसभा चुनाव में कैसे पार पाया जाएगा? देखिए मेरा मानना है, और हम लोग जनता के बीच में रहते भी हैं, भले इन्होंने नाम इंडिया रखकर गठबंधन कर दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आम जनता में जो हम भी लोग रहते हैं, जो छोटे तबके से लेकर बड़े तक, एक बात तो कहेंगे कहीं ना कहीं बिरादरी का, धर्म का नाम लेकर तो कोई अड़चन पैदा कर सकता है, लेकिन हर आदमी अभी ये कहेगा, बल्कि हमारे यहाँ तो बहुत से लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वे भी ये कहने को करते हैं, साहब ऐसा राज हमने नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो लक्ष्य पार्टी का है 80 लोकसभा चुनाव जीतने का, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। मुस्लिमों की आपने बात की है, अगर बात करें मुस्लिम जो है समाजवादी सरकार में या सपा पे जाए अपना विश्वास जताता है, वर्तमान अखिलेश यादव की समाजवादी को कैसे देखते हैं आप? देखिए अखिलेश जी ठीक है, अपना मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी में तो 5 साल हम भी पार्टी में उनके साथ रहे हैं, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी तो एक बड़े नेता थे, बड़े दिल के आदमी थे, उन्होंने सरकार चलाई है। लेकिन अभी अंतर है माननीय योगी जी में और माननीय अखिलेश जी में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सरकार पार्टी का तो है ही, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप से भी देखेंगे, माननीय योगी जी का जीवन तो देखने लायक है। क्या है उनके पास? उन्होंने करी चाहिए, अपना पहरे कपड़े जेब में पैसा नहीं डाले और अपना जीवन सादगी ईमानदारी और मेहनत का जिया है, तो वो तो हम लोगों के लिए जीवन में प्रेरणा के स्रोत है। माननीय अखिलेश जी ने काम किया, लेकिन एक इमेज वो नहीं बना पाए जो वो बनानी चाहिए थी, ये अंतर है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान जी की चर्चा जोरों पर है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, आपके बेटे हैं, युवराज हैं आपकी राजनीति के, क्या कहना चाहोगे उनके लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए इच्छा सबकी होती है, पहले वो चेयरमैन भी रह लिया, इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ चुका, अब भी चेयरमैन का कार्यभार वही देख रहे हैं। हमें भी मेरे ख्याल में 80 में मैं पहली बार MLA बना था, हमसे पहले ताऊ जी MLA थे। 69 के बाद ये पहला चुनाव है MLA का जिसमें हमारे परिवार का सदस्य नहीं लड़ा। 3 पीढ़ी आ चुकी, मनीष निर्दलीय चुनाव पिछला 2017 का इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और 32,000 वोट मिली थी। इच्छा है उसकी, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। आप रालोद में रहे हैं, मनीष चौहान के भी रालोद गुले में जाने की चर्चा जोरों पर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो सोची भी नहीं जा सकती, ये तो एक
रालोद के प्रवक्ता पर तो हमारी बात भी हुई। हमने उससे पूछा तुमने कैसे कहा, अभी मिले हमें केपी मलिक धामाजी, क्योंकि उन्होंने तो ये तो जयंत की पार्टी की तरफ से ही वही दबाव बनाने के लिए बीजेपी पे एक ऐसा मुद्दा उछाला। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कदावर नेता बहुत पार्टी में आना चाहते हैं, ये तो एक उनका शिकुपा था, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। स्वाभिमान से की है राजनीति, नहीं जाएंगे रालोद में। ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जसाला जी, JD News से अनुज प्रताप सैनी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। JD News की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए JD News चैनल को, और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए JD News चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।